चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मंदसौर के सुवासरा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मायके जाना है और कोई जरूरत पड़ गई तो पैसे मांगने पड़ते थे। मेरे दिल में आया कि शिवराज तू भाई है, तेरे रहते अगर बहने आपके सम्मान के साथ न जी पाए, उनका अपना खाता ना हो, उनके पास अपना पैसा ना हो, तो तेरे भाई रहने का मतलब ही क्या है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने तय किया कि हर बहन का अपना खाता होगा जिसमें भाई हर महीने पैसा डालेगा, बहनों को पराधीन नहीं रहने देगा। वैसे मैं 10 तारीख को पैसा डालता था, लेकिन इस बार दिवाली थी, धनतेरस थी, इसलिए मैंने 7 तारीख को ही पैसा खाते में डाल दिया। बोलो बहनों, आ गया सबके खाते में पैसा। कांग्रेस के लोगों ने बड़ा विरोध किया, चुनाव आयोग में शिकायत की, बोले चुनाव के समय पैसा डालना है, रोको इसे, मामा कह रहा चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे मैं इनका चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा मेरी बहने की चोरी थोड़ी करना। और आगे भी सुन लें सब, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले ही उग जाए, लेकिन लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहेगा। दो चीजें हरदीप जी, दो चीजें, एक, कई बहनों के नाम छूट गए हैं, कांग्रेस ने भ्रम फैला दिया कि पैसा थोड़ी देंगे, वैसे ही फार्म भरा रहे हैं तो कई ने भरे ही नहीं। मुझका भैया रह गया, मिलकर क्यों बोले, हमने अब सोच रहे थे मिलेगा थोड़ी, वैसे ही भरवा रहे हैं। अब उन सब बहनों के नाम सरकार बनते ही जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहन ठोस नहीं। दूसरी बात, मेरी बेटियों, मेरी बेटी आई मेरे पास, मुझसे कह लगी मामा एक गड़बड़ कर दी तुमने। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी? बोले तुमने शर्त लगा दी कि 21 साल में शादी हो जाएगी तो ही पैसा देंगे। हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हमें पढ़ना है, हमें करियर बनाना है, 21 साल की शर्त नहीं अच्छी नहीं है। तो मेरी बेटियों, आज सुभाषरा में मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी जितनी बेटियां हैं, 21 साल की उम्र हो जाएगी तो शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में पैसा डालेंगे। और भैया 1250 थोड़ी डलेगा रे, पैसे की जुगाड़ में लगाऊ मैं, अब पैसा बहुत लगता है। 1,32,00,000 बहने हैं मेरी, 1,32,00,000 पैसा बहुत ज्यादा लगता है। और ये नाम और जोड़ूंगा तो 1.5 करोड़ से ज्यादा तो हो ही जाएगी, 2 होगी कि 1.5। अरे अब जितनी हो पैसा तो डाली जाएगा, देखा जाएगा। पैसे का इंतजाम करके 250 पढ़ाऊंगा, अभी 1500 से पढ़ा के, अभी 1250 से पढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितना करेंगे, 3000। ये पूरी दुनिया सुन ले, भाई शिवराज सिंह चौहान कह रहा है चाहे कुछ हो जाए मुझे चैन उस दिन मिलेगा जिस दिन मैं अपनी बहनों के खाते में 3000 रुपया, और उस दिन लगेगा कि मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। और मेरी बहनों, एक बात और, आज सुवासरा के नागरिकों के बीच, मेरे भाई बहनों के बीच, आज एक संकल्प मैं और ले रहा हूं, लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना, अब लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाऊंगा, लखपति बहना। स्वसहायता समूहों के माध्यम से हर बहन की, गरीब की, निम्न मध्यम वर्गीय की, मध्यम वर्गीय की भी, अलग से अपने परिवार के स्वसहायता समूह के माध्यम से हर महीने कम से कम 10,000 आमदनी की व्यवस्था करूंगा, ताकि साल में 1,00,000 से ज्यादा रुपया हर बहन कमाए। मेरी बहना, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हें मजबूर नहीं रहने दूंगा, तुम्हें गरीबी के दलदल में नहीं रहने दूंगा, तुम्हें ऊपर उठा के तुम्हारा भाई ले जाएगा। आज भाई दूज पे तुम्हारे भाई का ये संकल्प है, ये मेरे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, मेरे लिए श्रद्धा का विषय है, क्योंकि दुनिया में जितनी माताएं बहने हैं मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मेरे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है। लेकिन मेरे किसान भाइयों,
या दिल पे हाथ रखे ईमानदारी से बताना। किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी किया था क्या? आज कोई सोचता था क्या? ये हरदीप टंग मेरे साथ ही खड़े, चंबल का पानी मैं तुम्हारे खेतों में ले आऊं, कौन सोचता था? कांग्रेस ने 50 साल सोचा। गांधी सागर कब से बना था बताओ? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्यों तुम गांधी सागर के पानी को मंदसौर सुभाषरा के खेतों में नहीं ला पाए? मेरे भाइयों, ये मेरा संकल्प है कि तुम्हारा कोई खेत बिना पानी के नहीं रहने देंगे, नहीं रहेंगे। हमने 0% आज तक चर्चा की। पीएम साहब हमारे 6,000 रुपया देते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, तो 6,000 मैं भी देता हूँ, 1,000 रुपया महीना ये तो आ ही रहे। लेकिन इस बार सुन लो, गेहूं खरीदेंगे 2,700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3,100 रुपया क्विंटल। किसानों के पसीने की आवाज हूँ मैं, शिवराज हूँ। पूरा न्याय, पसीने की पूरी कीमत देंगे मेरे किसान भाइयों। और मेरे बेटा बेटियों, मैं जहां जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, मामा देखो कैसे सभा सुन रही है, बच्चे कहीं ऐसे सभा सुनते हैं, जरा जरा से बच्चे मुंडी लगा लगा के देख रहे हैं, मामा ओ मामा। ये इन बच्चों का प्रेम है, मैं इनके लिए सीएम थोड़ी हूँ, इनको पता भी नहीं सीएम क्या होता है, ये तो ये जानते हैं दुबला पतला आदमी अपना मामा है यार, चलो मामा। ये दुनिया का अद्भुत रिश्ता है। और इसी के साथ मेरा संकल्प है, इन बच्चों का भविष्य मैं किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इसलिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा की व्यवस्था संपूर्ण बदलेंगे। हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल कहाँ कहाँ बन रहे हैं हरदीप जी? लदुनाथ जनवासा सुभाषरा में सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा। सीएम राइज स्कूल का मतलब, सीएम राइज स्कूल का मतलब प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर, एक एक बिल्डिंग की कीमत 40-40 करोड़ रुपया, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। गरीब और किसानों के बेटा बेटियों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के हम देंगे। और पूरी शिक्षा फ्री में होगी, मामा है भांजे भांजियों के लिए, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, कोई जाति समाज को बच्चों में भेद नहीं करेंगे। और ये बच्चे अच्छे नंबर डालते हैं तो मामा कई चीजें देता है, मामा लैपटॉप दिलवाता है, अभी तक 75% में लैपटॉप दे रहे थे, अब 60% भी मेरे बेटा बेटी बाद में लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी, लोगों का स्कूटी काहे के लिए, मैंने जैसे मम्मी बच्चों को पटाती ना, बेटा मान जा तो टॉफी दूंगा, तो मामा बच्चों को पटा रहा है, बेटा पढ़ लो मैं स्कूटी दूंगा, अच्छे नंबर ले आओ। इस बहाने मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, इनका भविष्य बेहतर बन जाएगा, इनकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। और एक और शिव संकल्प सुन लेना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ तो बिना किसी जाति के भेद के, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC हो, ST हो, कोई हो, बच्चों में कोई भेद नहीं, भांजे भांजे में क्या भेद करेंगे रे, सब मेरे। इनकी फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी चाहे 14-15 लाख रुपया साल हो, वो माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवा के देगा, मामा। बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे। और एक बात और, हर परिवार में एक रोजगार, यह हमारा संकल्प है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हाँ बेटा मैं आके मिलूंगा तो सह, बात पूरी कर लूं फिर बात करूंगा, मेरे भांजे बुला रहे हैं। सुनो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, अब मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार तो आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार दिया जाएगा, ताकि बेरोजगारी के कारण किसी परिवार की आजीविका समाप्त ना हो। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में दूंगा, चूल्हे में धुएं आके नहीं फोड़ने। अब बिजली के बिल
जो गरीबों के निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बड़े बड़े बिल आए हैं वो मैं अब भरवाऊंगा, तुम्हारे पास 100 रुपया महीने का बिल आएगा। कांग्रेस ने हमारी कई योजनाएं बंद कर दी थी। मैं आज हरदीप की इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, बहनों और भाइयों, मैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं कि ये वो आदमी है जिसने कांग्रेस में जब काम नहीं हुए तो फैसला किया कि इस सरकार में मैं नहीं रहूंगा, इस पार्टी में नहीं रहूंगा। और एक स्थिति ऐसी आई थी कि तब ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, तब भी हरदीप ने मुझे फोन करके कहा मैं विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूं, मर जाऊं मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। इस्तीफा दिया था इस विधायक के पद से इस्तीफा, और इसलिए मैं हरदीप का आदर करता हूं कि सिद्धांत के लिए इस आदमी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, तब सरकार बनने का कोई ठिकाना नहीं था। और इसलिए एक वचन मैं आपको देता हूं कि सुभाषरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। काम गिराऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, बताओ इतने काम कांग्रेस ने कभी करवाए क्या? रिकॉर्ड तोड़ दिए, कितने काम पर्चे बांटो, गिनवाते जाओ, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि गिनाऊ। और आगे के लिए भी ब्लैंक चेक दे रहा हूं हरदीप डंग को, आपकी तरफ से जो काम आएंगे पूरे कर करके भेजूंगा। मेरे भाइयों और बहनों चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम ही विकास करेंगे। कांग्रेस इसमें कोई कांग्रेस में दम ही नहीं है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता है दुनिया के, तो डबल इंजन की सरकार मोदी जी वहां है, मामा यहाँ है। कांग्रेस की सरकार मनोरंजन की सरकार, हम डबल इंजन वो मनोरंजन है। दोनों भाई बहन मनोरंजन करने ही आते, इतना झूठ बोलते कहते 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया, प्रियंका गांधी कहती है। अरे कुछ तो शर्म करो, इतना झूठ तो मत बोलो। और ये बता गई कि भगवान राम को 13 साल वनवास हुआ था, कितने साल हुआ था बताओ? अब इनको यही पता नहीं कि राम भगवान को वनवास कितने साल हुआ था, कुछ तो भी बोल जाते। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, धांसते मारते रहते। ये भाई बहन रोज झूठ बोलते हैं, हम डबल मनोरंजन वो मनोरंजन। और ये जो देखिए हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन वहां केवल ऊपर भी 2 का विकास, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीसरा है, और अपने प्रदेश में भी 2 ही है, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह। 2 ही का विकास हो रहा है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। इसलिए हमारे भाई पार्टी छोड़ के अपने भी आए मेरे पास बताया, ये कांग्रेस छोड़ छोड़ जा रहा है। वाह बड़ी देर करी नंदलाला, क्या करोगे कांग्रेस कांग्रेस अब ऐसी कांग्रेस जहां किसी का मान सम्मान ही नहीं है, ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। योजना सब इन्हें बंद कर दी थी मेरी, देखो इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी, एक्सीडेंट में मौत पे जो 4 लाख देते थे बंद।